जी तो दोस्तों, आज फिर वैसा ही मौसम हो चुका है जैसा कल था। काफ़ी ज़्यादा बादल बन चुके हैं और यार ये तरपाल जो है ना, एक तो मैं पहले ही बड़ा खूबसूरत हूँ, ऊपर से इसका अक्स जो है ना वो माशाल्लाह से और चार चांद लगा देते हैं। यार भाई जल्दी से हमारी जान छोड़ो दोस्तों, मौसम ठंडा हो तो मैं ना इसे उतार कर पाया हूँ। सारा फेस जो है ना वो पहले से ज़्यादा ब्लैक कर देता है ब्राइट करने की बजाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज जो है ना माशाल्लाह कल से भी ज़्यादा प्यारा मौसम बना हुआ है और ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बादल हैं और खूब इंजॉय करने वाला मौसम बना हुआ है। और यार इसके साथ साथ हमारे बिग जू का काम भी रुका हुआ है, लेकिन यार काम तो होते रहेंगे। मौसम जो है ना वो गर्मी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, दो तीन दिन हो गए हैं ऐसे ही मौसम जा रहा है, लेकिन आज जो है ना सबसे ज़्यादा प्यारा मौसम बना हुआ है। ये चेक करें, काले बादल, इस तरफ ज़रा कम है बादल, और ये सामने का सीन चेक करें। माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और यकीनन माइक के अंदर भी शोर होगा हवा का। और जनाब अभी बस बारिश होने वाली है, चंद कतरे गिर चुके हैं मजीद, और अब ये जो काला बादल आ गया ना ऊपर, ये ज़्यादा सी बारिश लेकर आएगा। और जनाब अब हम जाएंगे अपने मास्टर केज के अंदर, जो कल हमारा मोरू गैंग का छोटा सरबरा आया उसको जाकर चेक करते हैं। यार वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और डरता भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको वो भी सारे बच्चे दिखाते हैं जो माशाल्लाह आपको हमने चंद वीक पहले दिखाए थे। वो माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और यार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि यार हम आपको मज़ीद और प्यारे अच्छे और ख़ूबसूरत पेट्स और बर्ड्स का जो है ना आपको शो करवा सकें। उसके लिए आपको करना होगा कि हमारा सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, हमारी वीडियो को लाइक करना होगा। हीरा भी ऊपर मौसम एंजॉय कर रहा है। ओए क्या कर रहे हो ऊपर हीरा? कैसे गिर जाओगे? क्या कर रहे थे ऊपर? बस ये हमारा बघीरा है जो हमें देखते आ रहे हैं, उन्हें तो पता है इसका। और इसके साथ साथ एक ओरियो भी है। और अभी जनाब बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो मैंने यही सोचा है पहले अपने मास्टर केज को कवर कर लें, उसके बाद फिर आपको अपने पैट्स वगैरह भी दिखाते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो जल्दी से पहले इसे पैक कर लें। दोस्तों मेरे अंदर आते ही मोरू हमारा जो है ना वो केज के नीचे भाग गया। वो देखें, वो थोड़ी सी गर्दन बाहर निकालता है, ये आ गया। ये है जी हमारा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा मोरू, जो कि बहुत ज़्यादा डरता है अभी। पता नहीं से क्या मसला है यार, इतना क्यों डरता है, जबकि इससे पहले जो आए थे हमारे पास वो वाले मोर, वो भी छोटे से थे, अब माशाल्लाह फुल बड़े हो चुके हैं, एक साल के हो गए हैं, वो इतना नहीं थे डरते। ये वाला काफ़ी ज़्यादा डरता है और नीचे जाकर वो देखे वो छुप कर बैठ जाता है। मोरू भाई आ जाओ। दोस्तों इसकी काफ़ी फिक्र लगी हुई है मुझे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीक है और अभी ठीक से कुछ खाता पीता भी नहीं है। इसकी वजह से मैंने कल नीचे से सफाई भी नहीं थी की, क्योंकि ये ना नीचे से जो हमारे पैरट्स का जो दाना गिरता है ना वो पकड़ कर खाता था। वैसे हमने इसे ये फीड वगैरह भी डाली है, इसे पानी भी दिया हुआ है, सारा कुछ इसके लिए मैसर है, लेकिन यार ये डरता बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरे पास कोई छोटा केज भी नहीं खाली, नहीं तो मैं उसके अंदर इसे अलग रखता, इसलिए मैंने इसे मास्टर केज के अंदर खुला रखा हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे एक छोटे से केज के अंदर रखें, ताकि भाई इसकी अच्छी सी नशोनुमा हो और ये जल्दी से जो है ना सेहतियाब हो जाए। काफ़ी वीक है, सिर्फ इसकी हड्डियाँ ही नज़र आ रही हैं। दोस्तों हमारे मिनी जू के अंदर चार बड़े गैंग हैं, एक है जी डकी गैंग, और दूसरा है जी फाइटर गैंग, और तीसरा है जी मोरू गैंग, और चौथा लास्ट में जो सबसे ख़तरनाक गैंग है वो है जी कैंडी गैंग। और दोस्तों इन चारों गैंग से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये तंग करते हैं, और ये डकी गैंग तो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देता। अभी मैं इसके पास जाता हूँ तो ये देखना ये शोर करने लग जाएगा। हाँ भाई डकी, डकी डकी दोस्तों, ये ना बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ। और उसके बाद जनाब ये वाला गैंग है, ये है जी हमारा कैंडी गैंग, इसने भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है। ये वाला गैंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा खाता है और सबसे ज़्यादा गन भी डालता है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा गन जो है वो हमारा डकी गैंग ही डालता है। और जनाब हमारा फाइटर गैंग जो है ना उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ। फाइटर गैंग जो है ना वो दोस्तों अभी बारिश की वजह से मैंने इनके आगे
चादर की हुई है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये वाला गैंग दोस्तों, इसने आपस में लड़ लड़ के ना अपना बुरा हाल कर लिया हुआ। अभी इनकी एज देखें, ये छोटे से हैं और इन्होंने एक दूसरे को मार मार कर जो है ना बहुत ही बुरा हाल कर दिया हुआ एक दूसरे का। ये चेक करें, और ये है जी हमारा सबसे ज़्यादा लाडला और चहेता। ये पैदाइशी तौर पर दोस्तों ये मजदूर है, इसकी एक लेग जो है ना वो ठीक नहीं, और हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी लेग ठीक हो जाए लेकिन नहीं हो पाई। अब बड़ा होने के साथ साथ जो है ना ये उस टांग को नीचे लगाने लग गया, पहले ये ऐसे नहीं था लगाता। बाकी सारे बाहर भाग चुके हैं और दोस्तों ये वाला अभी अंदर ही है, मैं सामने बैठा हुआ इस वजह से। तो अभी इन्हें बंद करते हैं क्योंकि भाई बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, तो लिहाजा ये भीग जाएंगे। तो इन्हें अब जल्दी से जो है ना इनके केज के अंदर बंद करते हैं। चलो भाई फाइटर गैंग, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 अपने केज के अंदर, चलो सारा हनी का खाना खा गए, चलो 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 चलो। बारिश हो रही है, भागो अंदर। जी तो दोस्तों बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपने बर्ड रूम के अंदर आ गया हूँ, तो इसलिए कि आपको आप दिखाते हैं जनाब, जो हमारे पास पहले छोटे से चिक थे वो माशाल्लाह अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और वो हैं जी हमारे ये वाली गोल्डियन फिंच के। ये माशाल्लाह से काफ़ी कलरफुल फिंचज़ हैं और इनके बच्चे भी जो है ना इनसे मुख्तलिफ कलर में हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स से जो है ना वो डिफरेंट कलर में है। और जनाब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जी, पहला बच्चा ही जो है वो देखें बाहर आकर गिर गया। ये चेक करें दोस्तों, ये माशाल्लाह वाइट कलर में है और काफ़ी बड़ा हो गया। और इसके पेरेंट्स का कलर चेक करें, ये देखें जी, ये हैं जी इसके पेरेंट्स और ये है जी इनका बच्चा वाइट कलर में। चलो भाई आपके अंदर चलो। और दोस्तों ये दूसरे दो जो हैं वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही हैं, लेकिन अभी ये फुली ग्रीन कलर में है, और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर इनके कलर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे इन सब के आ रहे हैं दोस्तों कलर, वैसे ही उनके भी आना शुरू हो जाएंगे। ये अभी कुछ माह के बच्चे हैं, यानी कि समझ लें कोई 60 से 70 दिन के हो चुके हैं, और माशाल्लाह इनके कलर्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये भी सारे पाँचों के पाँचों बच्चे जो है ना दोस्तों वो भी इस पेयर के ही हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना ब्रीडर पेयर सिर्फ एक ही है बताया, सारे अभी जो है ना रेडी टू ब्रीड हैं, यानी कि इस साल ये वाले नीचे वाले जो है ना ये भी मैंने बच्चे ही लिए हुए थे, ये वाले इस साल इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ब्रीड करेंगे। और इनके कलर वगैरह आप चेक करें माशाल्लाह। और इनके साथ साथ दोस्तों हमारा यहाँ पर एक बजिस का पेयर था जो कि अब नहीं रहा, क्योंकि फीमेल जो थी वो एक्सपायर हो गई है एग बैंडिंग की वजह से, उसका पता ही नहीं चला उसने किस वक्त अंडे देना शुरू किए हैं। और जनाब ये वाला उसका पहला बच्चा था, और इसके साथ साथ उसके दो बच्चे और भी थे जो कि अब वो भी नहीं रहे, वो भी मारे गए हैं। और अभी सिर्फ जो है ना दोस्तों ये एक बच्चा और ये मेल बचा हुआ है, तो अब इसके साथ जो है ना अब फीमेल एक ले कर आएँगे, ये फिर पूरा करेंगे। और ये बच्चा माशाल्लाह से अब खुद से खाने लग गया, और माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी भी है और एक्टिव भी है। ये गंदम बड़े शौक़ से खाता है भीगी हुई, तो इसे हम गंदम वगैरह जो है ना वो डालते हैं। और जनाब इसके साथ आ जाते हैं जी अब हम अपने डव के पेयर की तरफ। ये है जी हमारा डव का पेयर, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत। और ये है जी इनका छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा बेबी जो कि अपनी नेस्ट से बाहर आ चुका है, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अब उड़ने भी लग गया है, लेकिन साइज़ में अभी छोटा सा ही है इनसे, लेकिन दोस्तों ये उड़ने भी लग गया, काफ़ी प्यारा है और बड़ी तेज़ी से ये ग्रोथ करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बस यही नहीं, इनके बच्चे, इनके ये भी बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और ये हमारे दो पेयर हैं जिनके ये बच्चे हैं, जिनमें से चार हमारे इस वाले पेयर के हैं और दो जो हैं वो हमारे मास्टर केज में जो पेयर है उसके हैं। तो दोस्तों छोटी डब के साथ साथ हमारी बड़ी डब के भी माशाल्लाह दो बच्चे हैं, और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये चेक करें जी, उस दिन भी आपको दिखाए थे तब इन्हें पंख नहीं थे, अब जो है ना माशाल्लाह इन्हें पंख आ गए हैं, और एक वो बैठा हुआ माशाल्लाह। ये दोनों ही बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे हैं, और इनका कलर भी जो है ना वो भी दोस्तों
इन वाली डब से थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यार ये दाना बहुत ज़्यादा नीचे बिखेर देती है, काफ़ी ज़्यादा दाना ये ज़ाया करती है, इनका भी कोई ना कोई हल करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये दाना जो है ना ये ज़ाया करती है, मैं बहुत ज़्यादा ताऊँ कि यार ये देखें, ये दाने की वजह से इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ आ जाती हैं अंदर और फिर इन्हें खुद ही परेशानी होती है। ये तो दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है, और ये तरपाल के नीचे खड़े होते हुए तो बिल्कुल ही नहीं महसूस हो रही, लेकिन इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हमने सारे अपने बर्ड्स जो है ना उन्हें कवर कर दिया हुआ, केजिस को भी कवर कर दिया है। और बादल जो है ना वो बता रहे हैं कि भाई बारिश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बारिश कम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आज जो है ना जिस तरह के बादल आए हुए हैं आज ऐसे ही लग रहा है कि बारिश ज़्यादा होगी। दोस्तों आपको पता होगा हमारे डकी गैंग के जो है ना वो 5 बचे हैं, 4 तो इधर हैं और एक जो है दोस्तों उसका मैंने आपको 2 से 3 ब्लॉग पहले आपको बताया था कि उसकी स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट जारी है भाई, और तब के और अब के हालात उसके दिखाते हैं। अब चलते हैं नीचे क्योंकि ऊपर तो अब बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई, अब हम भीगना नहीं चाहते भाई, तो आपको चलकर वो दिखाते हैं। और आप देखिएगा कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें फ़र्क आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा वो सेहतयाब हो चुका है। जी तो दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ और ये रहा जी हमारा छोटा डकी जो कि अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका है, और इसके ऊपर जो है ना वो पंख भी आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में, और माशाल्लाह इसने अब खड़ा होना भी स्टार्ट कर दिया है। बस अब थोड़ी सी कसर रह गई है कि ये अब चलना कब स्टार्ट करेगा। क्यों भाई अब कब चलना स्टार्ट करोगे? थोड़ा बहुत ये खड़ा होने लग गया क्योंकि इसकी एक लेग जो है ना दोस्तों ये इस साइड की, यहाँ पर हम पट्टियाँ वगैरह भी करते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी केयर कर रहे हैं। और आप सब भी दुआ करिएगा कि ये जल्दी से मुकम्मल ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी पैदाइशी तो नहीं हुई। इसका जो दोस्तों ऊपर जो डकी गैंग का बड़ा मेल है जो यानी कि जिसका ये बच्चा है, उसने ना इसकी लेग के ऊपर अपना पाँव रख दिया था, तब ये छोटा था तो हमें भी नहीं पता चला, तो उस वक्त इसकी जो है ना वो टांग टूट चुकी थी और काफ़ी बुरे तरीके से टूटी हुई है। तो अब जो है ना ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। ऊपर जो था दोस्तों एक तो ये ठीक से खा नहीं पा रहा था, दूसरा इसे वो नीचे सारे कुचल देते थे, कोई इसके ऊपर बैठ जाता था सारे बच्चे, क्योंकि वो जानवर हैं, जानवरों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, तो बस ऐसे ही इसके साथ होता रहा और ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। अब माशाल्लाह ये आपके सामने है, इसकी मैं पुरानी वीडियो भी लगाता हूँ साथ, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि ये माशाल्लाह कितना बेहतर हो चुका है। दोस्तों आज मौसम ने भी जो है ना धोखा दे दिया, काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई, वही थोड़ी सी बारिश हुई है। मुझे ये था कि जितने आज काले और घने बादल आए हैं ना माशाल्लाह बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यार ये चेक करें बादल पहले से कम हो चुके हैं लेकिन बारिश जो है ना वो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है, ये इतना सही पानी हुआ, उसके अलावा बारिश जिस तरह होनी चाहिए थी जिस तरह बादल थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का भी लोग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।